हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 11:15 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं एक डे ट्रिप में और हम जा रहे हैं लेपाक्सी की तरफ। तो लेपाक्सी करीब करीब यहाँ से कुछ 2.5 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, तो चलेंगे, रास्ते पे मिलते रहेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम लोग आ गए हैं अभी आउटर रिंग रोड में, अभी एयरपोर्ट के रोड में है, टेबल क्रॉस कर चुके हैं। इस रोड में, एयरपोर्ट रोड में जो है वो स्पीड लिमिट है करीब करीब 80 का स्पीड लिमिट है एक्चुअली। तो आउटर में भी स्पीड लिमिट लग गई है, आउटर में भी स्पीड लिमिट लग गई है, तो बी वेरी, हमने 1000 का चूना लगाया है, तो बी वेरी केयरफुल। एनीवेज तो अभी ऐसा है कि अभी हम चलेंगे, यहाँ पे क्रूज सेट कर रखा है, यहाँ के 80 का स्पीड है, 75 में क्रूज सेट कर रखा है ताकि पकड़ने का स्कोप ना हो उनके पास। चलो अभी चलते हैं, एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद मिलते हैं। चल तो अभी जो है हम लोग पहुँचे नहीं हैं, अभी हम लोग करीब करीब और 67 किलोमीटर दूर हैं। जीपीएस आंटी के हिसाब से कुछ 57 मिनट्स लगना चाहिए, आंटी के हिसाब से तो स्पीड एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, बट वैसी बात नहीं है। बीच बीच में कहीं पे भी खोपचे में ना छिपके मामू खड़े हैं। बाकी मौसम की बात अगर करें तो मौसम तो बढ़िया है, एकदम ओवरकास्ट हो रखा है जैसे आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं, पहुँचते हैं आराम आराम से। चलो तो अभी जो है हम करीब करीब 31 किलोमीटर्स और दूर हैं। रास्ता तो आप देख सकते हो एकदम खाली है, मौसम एकदम ज़बरदस्त है, बट थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पे है तो बारिश, और छतरी तो है, छतरी लेके जाएंगे, बट शायद वो मज़ा ना आए। और कितना कुछ हम वहाँ पे शूट कर पाए, कितना कवर कर पाए नहीं पता। मिलते हैं आपको लेफ्ट लेके, है ना। चलो हाँ, अभी हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हमको लेफ्ट लेना है, तो यहां से वी नीड टू टेक अ लेफ्ट। तो ये आ गया लेपाक्सी का एंट्री गेट और आ गए हम उसके अंदर, तो अभी चलते हैं आगे, मिलेंगे थोड़ा आगे चलते हैं। तो पहुंच गए हम लोग जटायु थीम पार्क में, और ये कुछ है ये ऐसे दिखती है, वो रही पीछे पार्किंग, और वहां से आपको सीढ़ी में चल के ऐसे पहुंचना होता है। तो जटायु जो है वो ये रहे मेरे पीछे, बहुत ही बढ़िया व्यू है इस एंगल से। थोड़े क्लिप्स लेते हैं और यहां से और दिखाते हैं आपको जटायु के, थोड़े और क्लिप्स दिखाते हैं। चलो आप क्लिप एंजॉय करो। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर जटायु फेल आफ्टर बींग वाउंडेड बाय रावणा। उसके बाद जब भगवान राम ने उनको देखा तो उनको तेलुगु में बोला ले पक्षी, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है गेट अप बर्ड। दैट्स हाउ द विलेज गॉट इट्स नेम ले पक्षी। आगे हम लोग घूम फिर के जटायु थीम पार्क, बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह है फैमिली आउटिंग के लिए। पार्किंग वार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीम पार्क के पीछे भी बढ़िया सी जगह है जहाँ पे आप लोग अगर फैमिली के साथ आओ तो बढ़िया से पार्क करके एकदम पिकनिक काइंड ऑफ कर सकते हो सब लोग मिलके। तो अच्छी पॉइंट है, अच्छा, हार्डली अराउंड 3 आवर्स ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर, तो ज़रूर आना, बढ़िया वीकेंड गेटवे है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। कौन सा मंदिर है वो? मेन लेपाक्षी टेम्पल। अच्छा, तो मेन लेपाक्षी टेम्पल जो है वो यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा मंदिर के पास चल के। चलो चलते हैं।
ये है लिपाक्षी का मेन टेम्पल जिसका नाम है वीरभद्र स्वामी टेम्पल एंड इट वॉज मेड बाय ब्रदर्स वीरन्ना एंड वीरूपन्ना इन 1583 एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर स्टाइल। तो पहुंच गए हम लोग मेन मंदिर पे। ये मेन मंदिर कुछ ऐसे दिखता है, दिखाते हैं आपको सराउंडिंग कैसा दिखता है। यस, तो बहुत ही बढ़िया व्यू है मेन मंदिर का। तो अभी जो है हम थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे और फिर दिखाते हैं और कौन से जगह बढ़िया जगह है। चलिए वो मेन जगह पे चलना है, अभी चलते हैं वहाँ पे, पहुँचते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। This temple has many forms of Lord Shiva and Goddess Bhadrakali. ये है कल्याण मंडपा। कहा जाता है कि राजा को बिना बताए उनके ट्रेजरर ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और जब राजा को पता पड़ी उन्होंने कंस्ट्रक्शन रुकवा दी और ट्रेजरर को पनिश भी किया। दैट्स व्हाई इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। पहुंच गए हम लोग नंदी स्टैचू के पास। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने एकदम बढ़िया नंदी स्टैचू है। चलो थोड़ा घूमते हैं, थोड़े क्लिप्स लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको वापस आके। चलो चलते हैं, देख के आते हैं। तो आगे हम लोग घूम फिर के नंदी स्टैचू। बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप लोग आओ। तो चलो अभी निकलने का टाइम हो गया है और तो कहीं रुकना है नहीं, सीधा निकल पड़ेंगे अभी बेंगलोर अपने घर की तरफ। चलो चलते हैं।